हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट चंदू, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल गौरव गेमिंग 2 पे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर कर देना, क्योंकि गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हर उस क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर के लिए जो भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं। तो गाइज वीडियो की आप सुनते ही चौंक जाओगे। जी हाँ गाइज, क्लैश ऑफ क्लैंस की टाउन हॉल 13 कन्फर्म हो गई है। तो गाइज मैं आपको वो दिखाऊंगा, टाउन हॉल 13 की कन्फर्म जो हो गया है तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ टाउन हॉल 13 की, जो वो जिस वेबसाइट से मुझे मिली है कि वो ऐसा बता रहे वेबसाइट वाले कि टाउन हॉल 13 आने वाली है और वो कंफर्म बता रहे। तो सर मैं दिखाता हूँ मैं आपको वो वेबसाइट, जैसा कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टाउन हॉल 13 कन्फर्म्ड, ये लिखा है क्लैश ऑफ क्लैंस टाउन हॉल 13 कन्फर्म। शिकायत ये कोई क्लैश ऑफ क्लैंस की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, पता नहीं कोई वेबसाइट है उस पर लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सोचा मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टाउन हॉल 13 की पुष्टि की गई, लेकिन मैं आपको सबको पढ़ के सुना देता हूँ, और अगर आपको खुद ही देखना है तो आप जरूर देख सकते हो। मैं आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके, तो ये देख सकते हो क्या लिखा है। हाल ही में समुदाय के आसपास कुछ टाउन हॉल 13 प्रचार किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहता हूँ कि चीज़ें सीधे हो जाए, क्योंकि यह प्रचार लगता है कि फिर से सीमा से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है कुछ बिंदुओं पर गलत उम्मीदों और तलाश में। टाउन हॉल 13, हाँ यह सच है टाउन हॉल 13 आ रहा है, और खैर यह वास्तव में इस बात को ध्यान में रखकर नहीं होना चाहिए कि टाउन हॉल 10, 11, 12 के बाद 2012 गेम शुरू होने के बाद क्लैश ऑफ क्लैंस को शुरू किया गया था भी, तो ऐसा क्यों हुआ जो अब इस तरह का प्रचार करने लगे। तो गाइस आगे मैं और पढ़ता हूँ। जब अंतिम अपडेट के पिछले डेवलपर वीडियो को वापस देखा गया तो सुपरसेल ने कहा कि वे नए टाउन हॉल की रिलीज के बीच में 2.5 साल नहीं चाहते हैं, जैसा कि टाउन हॉल 11 और टाउन हॉल 12 के बीच मामला था। उन्होंने यह भी कहा कि वे नए टाउन हॉल के स्तर के रिलीज के बीच 18 महीने रखने का लक्ष्य रखते हैं। रिलीज होने इस पर पूरी बात को थोड़ा कम ध्यान दिया गया, लेकिन हाल ही में जुड़े स्थल द्वारा उठाए गए वीडियो में बताया गया कि टाउन हॉल 13 की पुष्टि की गई है। मुझे गलत मत समझिए, मुझे उनकी सामग्री वास्तव में पसंद है और उन्हें यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है, लेकिन यह वीडियो मेरी राय में बिना किसी कारण के प्रचार शुरू हो रहा था। किसी भी बिंदुओं पर कोई नई जानकारी नहीं की गई थी। कृपया उन शब्दों को ध्यान में रखें जो वे नहीं चाहते और वे लक्ष्य करते हैं। वे शब्द हैं जो किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। मैं हर दिन दर्जनों चीज़ें करना चाहता हूं जो मैं अंत में नहीं करता हूं, इसीलिए यह सिर्फ एक इरादा है, और वास्तविकता अंत में दिखाएगा कि वास्तविक समय अनुसूची क्या होगी। मैंने यह भी देखा कि लोग वीडियो और फोरेस पोस्ट बनाते हुए बता रहे हैं कि टाउन हॉल 13 शीतकालीन अपडेट में हो गया, जनवरी के लिए पुष्टि की जाएगी। यह ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसका अनुमान लगा रहा हो। सुपरसेल खुद को नहीं जानता है कि हमें कुछ भी कैसे उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ अपेक्षाएं कम करने की क्षमा करें, लेकिन मुझे यह कहने की आवश्यकता है। सो गाइस देख सकते हो मैंने ये पूरा पढ़ के सुना दिया आपको, और चाहे तो आप भी उसको खुद पढ़ सकते हैं अगर मैं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अब बात करने की टाउन हॉल 13 क्या होगा और यहाँ पर खेलने के लिए बहुत कुछ होगा। तो देख सकते हो गाइस मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया ये टाउन हॉल 13 का अपडेट, ये जैसा कि देख सकते हो आप टाउन हॉल 13 कन्फर्म्ड। सो गाइस आप खुद आके देख सकते हो, इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सो गाइस आपका क्या विचार है टाउन हॉल 13 के ऊपर, और आपका क्या लगता है आपको कि टाउन हॉल 13 जनवरी तक आ जाएगा। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बता देना क्या आप सोचते हो टाउन हॉल 13 के बारे में,
और गाइज मैंने आपको इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो 1 लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो रोज़ डालता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए गॉड ऑफ गेमिंग 2 प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस एंड बाय बाय टाटा।